अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आज मैं लेके आई हूं आपके लिए ये मज़ेदार यम्मी पकौड़ों की रेसिपी। आलू के बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकौड़े बनाएंगे हम आज, बहुत आसान। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक बाउल लेंगे बड़ा वाला, उसमें हम 2 कप बेसन शामिल कर देंगे। ठीक है, मैं एक छन्नी की मदद से इसको छान रही हूँ। अभी हमने पूरा बेसन छान लिया ताकि इसमें कोई कचरा या कुछ तो निकल जाए। 1/4 कप इसमें हमें चावल का आटा शामिल कर दूंगी, ना हो तो कॉर्नफ्लावर शामिल कर दें। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ, उसको हाथ की मदद से मैं कूट रही हूँ, और उसको ये शामिल करेंगे। और इसमें 1/2 चाय का चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर हो जाता है इसका। इसको भी मैं हाथ से कूट लूँगी और वो शामिल कर देंगे। अब 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। बहुत ही सिंपल और मज़ेदार ये बनेगी। 1/6 टीस्पून या 2 पिंच के बराबर इसमें हींग जाएगी, ये ऑप्शनल है। 2 टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, ये अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें फ्रेश ग्रीन चिली चॉप्ड, 3 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर चॉप्ड। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आप ज़रूर बनाइएगा, स्पेशली रमज़ान में पकोड़े आपको पता है कि बहुत ही पसंद आते हैं सबको। तो ये आलू के पकोड़े बड़े बड़ों के छोटों के सबको बहुत पसंद है। तो अब इसको हम जो है बैटर तैयार कर रहे हैं, तो इसमें 1 कप में पानी शामिल कर दूँगी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें शामिल करेंगे। अब मैं मिक्स कर रही हूँ, मैंने 1/2 कप इसमें पानी पहले डाल दिया था, अब मैं बचा हुआ 1/2 कप इसमें और डाल रही हूँ। अब इसको हम लोग अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे। और प्लीज़ मेरी आवाज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 1/2 कप मैंने और पानी लिया है, उसमें से मैंने थोड़ा पानी इसमें शामिल किया है, उसको मिक्स करूँगी मैं। और पीछे की बैकग्राउंड वॉइस को भी इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा पानी हम इसमें और शामिल करेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें कुछ टिप एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि आपको हमें बैटर कितना थिक और कितना थिन रखना है। और पानी इसमें जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। 1 कप हम शामिल कर चुके हैं, ये मैंने 1/2 कप और लिया था जिससे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। और अब आप देख सकते हो कि ये बैटर तैयार है। अब मैं बैटर जब ड्रॉप कर रही हूँ तो ये इसमें जाते ही मिक्स हो रहा है। देखो, शेप नहीं रुक रही उसकी, वे मतलब के बीच में जाके मिक्स हो रहा है। इसका मतलब ये परफेक्टली रेडी हो चुका है हमारा बैटर। अब ये बैटर तैयार हो चुका है, इसमें हम लोग 1/2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे कॉमेंट करके आपने बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब एक किचन टॉवल हमने बिछा दिया था काउंटर पर। 1/2 किलो आलू हैं, ठीक है, उनको मैंने छील के स्लाइस में कट कर लिया है और 2 बार पानी से वॉश किया है। अब इनको हम इस पर फैलाएंगे ताकि ये हमारे जो आलू हैं गीले हैं, ये अच्छे से ड्राई हो जाए। तो हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं छोड़ना है, ये सारे मैंने स्प्रेड कर दिए थे। अब मैं इसको फैलाऊँगी, उल्टे करूँगी ताकि ये अच्छे से दोनों साइड से ड्राई हो जाए। और मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया था। अब इसमें बैटर में मैं आलू डिप करके वो ऑयल में डाल दूँगी और मज़ेदार से पकौड़े तैयार करेंगे। आवाज़ का इग्नोर इसलिए कह रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको वॉइस अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक रेसिपीज पहुँचाऊँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से ये पकौड़े तैयार हो गए आलू के। आप रमज़ान में बनाएँ, इफ्तारी में बनाएँ, दावतों में बहुत ही मज़े के लगते हैं। किसी भी मौसम में स्नैक में बनाएँ, बच्चों और बड़ों के दोनों के फेवरेट होते हैं ये। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके बताना है। तब आप देख सकते हो कि कैसे फूले हुए ये बन रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छे बनेंगे। इंशाल्लाह आप घर पर इसको तैयार करें। बहुत ही सिंपल और कुछ चीज़ों के साथ हम इतने क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े तैयार कर सकते हैं, तो बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप देखें कितने मज़ेदार और ख़ूबसूरत से इस पर कलर आ चुका है। अब इसको हम लोग निकालेंगे और मैं और पकौड़े इसी तरह जो बाकी के रखे हुए थे उनको भी पका लूँगी। साथ साथ मैं इसको चॉपस्टिक की मदद से टर्न कर रही हूँ ताकि हमारे पकौड़े इवनली दोनों साइड से कुक हो जाए और परफेक्ट से इस पर कलर आ जाए।
अब आप देखिएगा कि ये फुली कुक्ड हो जाएंगे और मैं इनको निकाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची बने हैं ये, मेरे घर में तो सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और रेसिपीज़ आपने बनाई तो आपको कैसी लगी, तो मुझे कमेंट करके बताना है, वीडियो को आगे शेयर करना है, जितना हो सके फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोगों को आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो पसंद आएगी तो मुझे बताइएगा, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।